अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना थर्ड ट्रैवल व्लॉग। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी लाहौर की बहुत ही मशहूर और मारूफ फूड स्ट्रीट की रौनक। तो आज हम आए हैं डिनर के लिए लाहौर की फूड स्ट्रीट पे। अंदरून लाहौर है, ओल्ड लाहौर में है ये, और बहुत ही मशहूर है ये, वर्ल्ड फेमस जगह है ये। जितने भी लोग आते हैं बाहर से, फॉरेनर्स आते हैं, वो लाजमी यहाँ पे विज़िट करते हैं। तो आज हम यहाँ के एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट में जो है वो डिनर करने वाले हैं, जो कि है हवेली। ये बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है यहाँ का। आप जब भी लाहौर विज़िट करें लाजमी इस रेस्टोरेंट को विज़िट कीजिएगा, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी कि यहाँ से किस किस जगह का क्या क्या व्यू देखने को मिलता है आपको। तो अंदर आ गए हैं, हम चलते हैं ऊपर रेस्टोरेंट में। ये थोड़ा सा इंटीरियर था इसका, बाकी सिटिंग वगैरह इनकी ऊपर के फ्लोर्स पे है, तो हम वहाँ जा रहे हैं अब। तो चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू, और खाने का भी बताऊँगी ये खाना कैसा था, और आपको जो है वो फूड स्ट्रीट भी मैं आपको लाजमी विज़िट करवाऊँगी अपने व्लॉग में। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो जी, अब हम आ गए हैं ऊपर लिफ्ट के थ्रू, और थोड़ी देर हमें वेटिंग करनी है क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी। जैसे ही टेबल रेडी होती है तो हम जाते हैं ऊपर और फिर जाके हम अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है ये बहुत फाइन डाइन वाला इन्होंने जो है वो दिया हुआ है इम्प्रेशन, और बहुत डिम लाइटिंग है यहाँ की। तो हमारी टेबल रेडी हो गई थी, तो अब हम आ गए हैं ऊपर। बहुत रश था यहाँ पर, लाइक जगह मिलना ना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन हमें मिल गई क्योंकि फुल था, बिल्कुल जैम पैक था। हालांकि बहुत बड़ा है ये रेस्टोरेंट, बहुत ज़्यादा इसमें फ्लोर्स अलग अलग है। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ किस तरह से उन्होंने सिटिंग करी हुई है, स्पेस को किस तरह से यूटिलाइज़ किया हुआ है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से। तो ये जी, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से क्या व्यू मिलता है आपको। यहाँ से आपको मिलता है बादशाही मस्जिद का व्यू, तो रात के वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये देखें क्या खूबसूरत व्यू है, और कैमरे में इतना कैप्चर हो रहा था इसलिए देखने में तो और ज़्यादा खूबसूरत था। बाकी ये जो सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह यहाँ से नज़र आते हैं, एक्चुअली रात का टाइम था तो इतना क्लियर नहीं पता चल रहा है, नहीं तो दिन में तो आपको सारे मीनार पाकिस्तान और सारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं सबका व्यू नज़र आता है। बादशाही मस्जिद तो बिल्कुल सामने है इसके, ग्रेटर इकबाल पार्क बिल्कुल इसके सामने लगता है। इस तरह से उन्होंने अपनी स्पेस भी यूटिलाइज़ की हुई है, सिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा उन्होंने करी हुई है। तो हमने फिर ऑर्डर प्लेस किया और अब हमारा खाना सर्व हो गया है। तो खाने में हमने मंगाए हैं चिकन रेशमी कबाब और कढ़ाई और नान मंगाए हैं हमने। तो जी, ये हमारा फ़र्स्ट टाइम था यहाँ का लाहौर का कहीं का बाहर का कुछ खाना ट्राई करने का, तो शक्ल से देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी सर्विस वगैरह भी बहुत अच्छी थी, कढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो अब हम खा के देखेंगे कि लाहौर का खाना जो है वो कैसा है, क्या टेस्ट है। तो जी, खाती हूँ और बताती हूँ आपको कैसा था खाना। खाना हमने खा लिया है, खाना बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा टेस्ट था, सर्विस भी बहुत अच्छी थी, मस्ट ट्राई है ये जगह आप जब भी आएँ। और रेट्स भी मुनासिब थे, लाइक एज़ कम्पेयर टू कराची, जैसे कराची के फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स हैं तो रेट्स भी उसी के लगभग थे। ये देखें, मैं आपके साथ फूड स्ट्रीट की रौनक शेयर करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी है यहाँ पे, देखें आप किस तरह से लोग जो है वह हंसी खुशी घूम रहे हैं। मैं एक दफ़ा बचपन में पहले लाहौर आ चुकी हूँ, तो उस टाइम पे मैंने फूड स्ट्रीट विज़िट की थी, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी तो इतना मुझे याद नहीं था। उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, बहुत अच्छे जो है वो फाइन डाइन वाले रेस्टोरेंट्स भी खुल गए यहाँ पर। तो ये जो है ओवरऑल थी फूड स्ट्रीट यहाँ पर। यहाँ पे छोटी मोटी जो थी सोविनियर शॉप्स भी थी, ज्वेलरी शॉप्स भी थी, स्टॉल्स वगैरह थे ये, एक्चुअली लोग यहाँ पे शॉपिंग भी कर रहे थे। एंड यहाँ पे तंदूरी चाय वगैरह भी थी, तो उसकी भी मैंने तारीफ़ सुनी हुई है। बाकी ये जो है ये बिल्डिंग्स देखें कितनी अच्छी तरह से लाइट अप हुई हुई है, सब जो है ये डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स की बिल्डिंग्स हैं। तो यहाँ पर साइकिल रिक्शा भी थी, और मतलब ओवरऑल जो था ना बहुत ही अच्छा सा माहौल था यहाँ पे। बहुत गहमा गहमी ज़रूर थी, लेकिन इट वाज़ नाइस विजिटिंग दिस प्लेस। और खाने की बहुत वैरायटी थी, खाना बहुत अच्छा था। और अगर आप चाहें तो मतलब आप लंबा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पुतली तमाशा भी चल रहा था और डिफरेंसेस छोटी मोटी चीज़ें चल रही थी, तो आप जो है इस तरह से कॉर्नर्स में बैठने की जगहें भी बनी हुई थी। तो आप चाहें तो आप थोड़ा एक लंबा टाइम स्पेंड कर सकते हैं कि आप शाम से आ जाएँ, थोड़ा सा आप ये स्टॉल्स वगैरह विज़िट करें, थोड़ी बहुत
शॉपिंग करें, ये जो पुतली तमाशे लगे हुए हैं ये देखें, ये इन्जॉय करें, थोड़ा यहाँ पे वॉक कर लें आप, बहुत लंबा सा ये एरिया है, यहाँ पे आप वॉक कर लें, तो यहाँ से कुछ छोटा मोटा आप आइसक्रीम या कुछ छोटे मोटे स्नैक्स लेके खा लें, फिर आप रात में जो है रेस्टोरेंट विज़िट कर लें, जैसे हवेली है वहाँ से आप जो है अगर आप लाइक मगरिब के टाइम पे आएँ तो सारा जो है आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर सारा व्यू ले सकते हैं आप. So I hope you enjoyed the visit to Lahore Food Street and don't forget to subscribe to my channel and like the video.